भगवानपुरा समीपस्थ ग्राम धूलकोट के जूना बिलवा से खारक बांध तक का पहुंच मार्ग खस्ता हाल हो चुका है। किसानों को अपनी उपज ले जाने में ज्यादा मुसीबतें उठाना पड़ती है, साथ ही मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नव निर्वाचित सरपंच सालक राम किराड़े ने कहा, सड़क निर्माण के लिए विधायक सांसद सहित जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराकर जल्द ही सड़क बनाने की मांग करेंगे। जर्जर मार्ग से ग्रामीणों की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, इनकी समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता है। वही शिवराम कनासे मोर सिंह कनोजे ने बताया कि 3 दिन पहले एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को काफी मशक्कत करना पड़ी। मार्ग की हालत ऐसी हो गई कि घर तक एम्बुलेंस वाहन भी नहीं पहुंच सकता। धूलकोट के नवलपुरा से खारकबांध की दूरी 8 किलोमीटर का मार्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया है। खासकर बारिश के दिनों में यहाँ के लोगों को अधिक परेशानी झेलना पड़ती है। बता दें कि 15 सालों से जर्जर मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कई रात में जाना आना तकलीफ बहुत पड़ रही है। मरीज को ले जाने में परेशानी आती है, गाड़ी भी नहीं रहने का, नहीं जा ही नहीं सकती, इसलिए आप लोग बहुत दिक्कत पड़ रही है। रोड तो कराना, कब से खराब है ये रोड? कब से कही 10-15 साल से ज्यादा हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया आज तक, कोई नहीं ध्यान। आबकारी वाले कोई भी आते वो भी देखते जाते, पर वो भी नहीं भूल सकते। क्षेत्र के विधायक अधिकारियों को इस ओर कोई नहीं, विधायक भी नहीं, कोई कहीं नहीं कर नहीं पाए, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी नहीं ध्यान दे रहे। लंबे समय से खराब हो गई, बहुत लंबे समय ये रोड तो 5 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं। किसानों की उपज बेचने में गाड़ी परेशानी आती है, तकलीफ आ रही है, हर दिक्कत पड़ रही है। कई भी खाद बीज लाने में भी ज्यादातर मरीजों को ये रोड से ले जाने में परेशानी आती है। हाँ, मरीज को भी गाड़ी नहीं आ पाती तो क्या कर पड़े, एम्बुलेंस वाहन घर तक नहीं पहुँच पाता, नहीं पहुँच पाती, गाड़ी से नहीं लाता तो एम्बुलेंस कहाँ पहुँच जाए। क्या नाम लिखते हैं? सीताराम जी। कहाँ रहते? सीताराम चौहान या जूना बिलवा। परेशानी तो बहुत है, यहाँ खड्डे बहुत है और डिलीवरी ले जाने के भी बहुत परेशान होते हैं, और ये झोली बांध के ले जाते हैं यहाँ पे मरीजों को। हाँ, मरीजों को झोली से अस्पताल ले जाते हैं। हाँ, यहाँ तो आती नहीं, गाड़ी नहीं आती इधर। कब से खराब है रास्ता ये? ये तो कब से है, हम भी नहीं थे क्या ये सब बाप, मतलब बहुत वर्षों पुराना है। हाँ, पुराना है। बाकी बारिश के मौसम में ज्यादा यहाँ पे परेशानी होती होगी ना? हाँ, बारिश का मौसम में भी बहुत परेशानी होती है, और ऐसे भी परेशानी तो होती है, यहाँ पे खड्डे इतनी ये बराबर हो रहे कि क्षेत्र के नेता लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे इधर। क्यों नहीं, कोई नहीं ध्यान दे रहे इधर, और यहाँ पे ये फसल ले जाने में और लाने में बहुत दिक्कत होती है, और यहाँ पलटी भी खा जाते इधर सब, बहुत नहीं परेशानी होती। ट्रैक्टर भी जबरदस्ती निकालते यहाँ पे पूरी डूब के आते हमारे यहाँ, बहुत परेशानी से आते हैं। कब से ये समस्या? अरे हम तो बहुत साल हो गया, मतलब रोड नहीं बन रहा। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में बताया था? सबको बता दिया, सब नेता को, सब कहीं नहीं काम करे, कोई नहीं आता इधर देखने, कोई नहीं आता, रोज निकलता विधायक साहब भी सब डेली, लेकिन सब भी नहीं, जब भी नहीं रोड बना रहे। ये फसल ले जाने में भी बेचने में भी परेशानी आती है, गाड़ी ले जा ये रास्ते से? हाँ, सब डिलीवरी ले जाने में, गाड़ी मतलब सब जाने में परेशानी आती, रात में ज़्यादा परेशानी आती होगी। हाँ, रात में ज़्यादा परेशानी। क्या नाम लिखते हैं? अंतिम सोलंकी। भगवानपुरा से विनोद जायसवाल की रिपोर्ट।